भाई को भी सांप ने काट लिया। उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी और उसका पापा का हार्ट में ब्लॉकेज था। तो फिर मैंने प्रेयर करवाई वहाँ, फिर आपके एक बार टावर से, फिर वो बोले कि उसी समय ठीक हो गया, बोला कि ठीक है ठीक हो गया। तो उन्होंने प्रेयर की थी, तो मैंने आपका जूम मीटिंग में सो गई थी, उसको तुरंत मैंने बुलाया और बोला मैं बैठो जूम में और प्रे कराओ। फिर उसके बाद उसका एंजाइटी भी चली गई, उसको जो हाथ पैर कांपने लगे थे। और मेरे हस्बैंड भी अभी अच्छे हैं। दो दिन पहले मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी और बुखार लगा था और मुझे भी, तो मैंने आपके प्रेयर टावर पे कॉल करके प्रेयर करवाई तो मेरी बेटी भी ठीक हो गई और मैं भी ठीक हो गई। मम्मा जय मसीह की। मम्मा जी मेरी गवाही ये है कि जब मैं 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में थी, जब फर्स्ट करवाए थे ना मई में जी, तब मम्मा जी मुझे प्रभु ने बहुत सामर्थ्य से भरा और मुझे बहुत दर्शन दिए, अच्छे अच्छे दर्शन दिए प्रभु जी ने। और मम्मा जी मुझे ना एक सफेद कलर का घोड़ा जब 21 दिन के प्रेयर के ना 20 या 19 दिन में ही दिखाई दिया था जी। और मम्मा जी अभी जब 7 डे का आप करवाए थे फास्टिंग प्रेयर, उसको भी मैं की थी मम्मा जी, तो उसमें मम्मा जी मुझे 6th डे में ये दिखाई दिया कि आप बहुत बड़ा जगह है, इतनी बड़ी मैदान है जिसमें आपका बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है। और उस मीटिंग में मम्मा जी आप ना मेरे से ना सेवैया बंटवा रहे हैं दूध वाली। ये मुझे सपने, मतलब ये प्रभु ने मुझे ये सपना दिखाया। मैं आपको, मतलब मैं सोचती थी मैं मम्मा जी से कब बात होगी, मेरी कब बात होगी। कहाँ से बोल रही है? छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ मम्मा जी। अच्छा जी, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु छत्तीसगढ़ में बड़ी मीटिंग कराए और आप सुसमाचार बांटे। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। जय मसीह की। जी बताइए क्या गवाही है आपकी। मेरी गवाही ये है कि मेरे भाई को ना, मेरी भाभी खत्म हुई थी, 1 साल 4 महीने हुए थे शादी को। तो उसके बाद जो मेरे भाई को भी 8वें दिन नहीं, उसके खत्म होने के बाद सांप ने काट लिया। मंजे में सोया था और अच्छा। पैर नीचे रखा और सांप ने काट लिया घर के अंदर ही। अच्छा। फिर मैंने प्रेयर करवाई, मैं रोने लगी यहाँ पर, फिर मैंने प्रेयर करवाई वहां, फिर आपके एक बार टावर से, फिर वो बोले कि उसी समय ठीक हो गया, बोला कि ठीक है ठीक हो गया। तो उन्होंने प्रेयर की तो फिर अच्छा। उसके बाद मेरी ना सास जो है ना, वो भी आधी रात को बीमार हो गए थे 2:30 बजे। फिर ये मेरा छोटा सा बच्चा, इसने ये बोलने लगा कि मैंने ना मम्मा से प्रेयर करवाओ। इसने 2 बजे ना फोन मिला दिया और फोन किया, बोलने लगे हम नहीं करते हैं दवाई पर भरोसा, डॉक्टर भरोसा नहीं करते हैं। मैंने फोन करने, उसके डैडी चले गए थे लेकर इसको, इसकी दादी को, और ये बोलने लगा मैं प्रभु पर भरोसा, प्रेयर करने लगा मैंने और फोन करने लगा। तभी उसी समय उसकी दादी ठीक हो गई। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करे परमेश्वर का छोटे बच्चे के विश्वास के लिए, और धन्यवाद करे सचमुच कैसे सांप ने काटा, पर प्रार्थना कराई। मम्मा जी। हाँ जी। मेरी मम्मा से चले जाकर पीठ में दर्द है, परमेश्वर उनको चंगा करेगा। अभी हम प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर उनको हील करेगा। आप इसी तरह विश्वास में बने रहे, गॉड ब्लेस यू। बेटी की, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी और उसका पापा का हार्ट में ब्लॉकेज था। तो वो सोच सोच के उसको एंजाइटी हो रहा था बहुत ज्यादा। तो मैंने आपका जूम मीटिंग में वो सो गई थी, उसको तुरंत मैंने बुलाया और बोला मैं बैठो जूम में और प्रे कराओ। फिर उसके बाद से उसका एंजाइटी भी चली गई, उसको जो हाथ पैर कांपने लगे थे। और मेरे हस्बैंड भी अभी अच्छे हैं, अच्छा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बेटी की जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भी चली गई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं आई है, कभी नहीं आई उसके बाद, बिल्कुल ठीक है। कुछ ही दिन में उसको जॉब भी लग गया स्कूल में टीचिंग का। अच्छा, दूसरे दिन जॉब भी लग गया उसका। हाँ, आपके प्रे के बाद मतलब उसका हर रास्ता खुल गया। God bless you. Praise the Lord. और मैंने प्रे किया था, मेरे लिए आप प्रे कीजिए, मुझे अभिषेक मिले और मुझे प्रभु ने दूसरे भाषा भी दिया, इसलिए आपको मैं शुक्रिया बोलती हूँ और प्रभु को भी धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। 2 दिन पहले मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी और बुखार लगा था और मुझे भी, तो मैंने आपके प्रेयर टावर पे कॉल करके प्रेयर करवाई तो मेरी बेटी भी ठीक हो गई और मैं भी ठीक हो गई। मम्मा बिल्कुल ठीक हो गई, धन्यवाद। हाँ, हाँ, मम्मा पूरा ठीक हो गया। देखो लगा था 24
24 घंटे प्रेयर टावर आप लोगों के लिए खुला रहता है, 24 घंटे सातों दिन हमारी अनॉइंटेड टीम वहाँ पर बैठती है, और इसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का, है ना, कि एक अनॉइंटेड टीम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है इस मिनिस्ट्री में। आप किसी भी समय प्रार्थना करवाते हैं, और आप इतनी गवाहियों को सुन रहे हैं, 2:30 रात को, 3 बजे रात को, किसी की भी तबीयत खराब होती है, है ना, यीशु का हॉस्पिटल आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप जहाँ कहीं भी होते हैं। हालेलुया, तो धन्यवाद करें परमेश्वर का।